नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक वकील का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। वकील पर आरोप है कि उसने बार काउंसिल से वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए अपनी फर्जी कोविड-19 रिपोर्ट जमा की थी। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने पाया कि ये कदाचार जालसाजी और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। ये कहते हुए कि प्रयोगशाला ने पुष्टि की है कि उनके द्वारा संबंधित वकीलों को ऐसी कोई कोविड-19 रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने वकील का लाइसेंस निलंबित कर दिया। राज्य में दहेज हत्याओं की बढ़ती संख्या के बीच दहेज निषेध अधिनियम के सख्त और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है। ये याचिका एक शिक्षाविद डॉक्टर इंदिरा राजन ने दायर की है, जिन्होंने दहेज प्रथा और सरकार और अन्य अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण महिलाओं को हो रही परेशानियों पर चिंता जताई है। याचिका में कहा गया है, दहेज एक सामाजिक कलंक है जो महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातना और अपराध का कारण बनता है। इस बुराई ने समाज के सभी वर्गों की कई निर्दोष महिलाओं की जान ले ली है, चाहे वो गरीब, मध्यम वर्ग या धनी हो। समय समय पर सरकार का उदासीन रवैया सत्ता में और उसकी मशीनरी असहाय महिलाओं के सामने आ रहे इस दुर्भाग्य का मूल कारण है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होना या इसे नहीं गाना संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करने या अनादर करने के बराबर हो सकता है। हालांकि ये राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत अपराध नहीं हो सकता है। जस्टिस संजीव कुमार की सिंगल बेंच ने भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न मनाने के लिए 29 सितंबर 2018 को आयोजित समारोह में राष्ट्रगान का कथित रूप से अनादर करने के आरोप में एक कॉलेज व्याख्याता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने गैंग चार्ट तैयार करने में अधिकारियों के लापरवाह और सुस्त रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने पाया कि कुछ मामलों में अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से गैंग चार्ट तैयार किया गया है और गैंग चार्ट आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के मामलों की गलत जानकारी का संकेत दे रहा था। इसलिए अदालत के इस मामले में अधिकारियों के रवैये पर भी सवाल उठाया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने एक आरोपी आवेदक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अवलोकन किया, जिसने दलील दी थी कि वो कुछ मामलों में आरोपी नहीं था, जैसा कि गैंग चार्ट में दावा किया गया है। उसने कहा था कि पुलिस स्टेशन में गलत तरीके से गैंग चार्ट तैयार किया था और उक्त मामलों में आवेदक का भी नाम शामिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पैकेजिंग के उद्देश्य से प्लास्टिक के अप्रतिबंधित और अनियमित उपयोग के मुद्दे से उत्पन्न पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने वाली याचिका में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को चुनौती देने वाली एक अपील में शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने मामले को 4 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने और इस बीच जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।